हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आईटी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो मेरी क्लास होने वाली है वो हमारी होने वाली है इंजन ड्राइंग की। दोस्तों, जो पिछली क्लास हुई थी मैंने बेसिक से आपको प्रोजेक्शन के बारे में बताया था, ठीक है। क्योंकि ये जो चैप्टर है आपका, जो प्रोजेक्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपको एग्जाम में अकेला पास करा सकता है, इतना दम रखता है क्वेश्चन, ठीक है। लगभग लगभग 30 या 35 नंबर तक का जो है इस चैप्टर से ही जो है क्वेश्चन फंस जाता है, एक ही, ठीक है, एक ही क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। प्रोजेक्शन का आपको बनाना पड़ता है, चाहे वो फर्स्ट एंगल से आओ चाहे वो थर्ड एंगल से आओ, ठीक है। लगभग 30 या 35 नंबर का क्वेश्चन आता है और वो अकेला आपको पास करा सकते हैं। अगर आपने अच्छे तरीके से उसको पढ़ लिया ना, तो आपको मतलब कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ सकती, अगर आपको पास होना हो तो, ठीक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप किसी भी प्रीवियर एग्जाम को उठा कर देख लीजिएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग के आईटीआई के, ठीक है, कोई से भी पेपर को उठा कर देख लीजिएगा। लगभग लगभग एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है, प्रोजेक्शन एक क्वेश्चन हमेशा आता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो पेपर होने वाला है वो आपका ऑफलाइन होने वाला है, ठीक है, ऑफलाइन होगा। और आपको जो बनाना पड़ेगा प्रोजेक्शन, फर्स्ट ईयर वालों की बात कर रहा हूँ, और जब आपका सेकेंड ईयर में हो, अगर आप फिटर से हो तो आपको फिटर में तो सेकेंड ईयर में बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिशियन में हो तो इलेक्ट्रिशियन को पैनल वगैरह बनाने पड़ते हैं, मोटर वगैरह बनानी पड़ती है, वो तो इलेक्ट्रिशियन का होता है। लेकिन जो फिटर वाले होते हैं उनको प्रोजेक्शन ही बनाना पड़ता है सेकेंड ईयर में, ठीक है, क्योंकि उनका जो लेवल है वो थोड़ा सा हार्ड कर देते हैं फिटर वालों का इंजीनियरिंग ड्राइंग का। लेकिन जो इलेक्ट्रिशियन वाले हैं उनका जो होता है थोड़ा सा ईजी होता है, हो जाता है इलेक्ट्रिशियन वालों का, क्योंकि उनका जो मोटर वगैरह बनाना पड़ता है, फ्री हैंड स्केचिंग होती है, मोटर वगैरह पैनल वगैरह उनको बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आप लोगों के लिए। अब चाहे अगर फर्स्ट ईयर में हो ना, और आपकी जो अगर, या फिर एक साल के ट्रेड है मैकेनिकल डीजल वाले भी हो, तो आपको क्लास को देखना है, बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है। प्रोजेक्शन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक, तो आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से, ठीक है, कंप्लीट कर लेना है। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, इसमें मैंने जो है ये लाइनिंग जो मैंने इसमें ड्रॉ की है आपको दिख रही होगी, ठीक है, आप दिख रहे देख सकते हो कि मैंने कई सारी लाइन खींची हुई है। देखिए, 1 2 3 तीन ही हैं, और 1 2 3 तीन ही हैं, कुछ ही तो आपको दिख रही होगी, थोड़ी सी ये डार्क नहीं है, थोड़ी सी फीके टाइप की है, ठीक है, हल्के लिखे आपको दिख रही होगी। लेकिन ये जो ये लाइन होगी और ये लाइन होगी, ये कैसी है आपको डार्क दिखाई, गाढ़ी दिखाई दे रही है, और ये कौन सी है हल्की हल्की, ठीक है। मैंने हल्की भी खींची है क्योंकि आपको ऐसे ही खींचनी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आपको ऐसे बताना है। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि मैं आपको जो अगली क्लास होगी इसमें सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बेसिक से आपको बताऊँगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें डार्क लाइन खींच लेने दो, ठीक है, आपको माप लेना है कि कितनी इसकी दूरी है, कितनी है, ठीक है। तो हमने डार्क लाइन खींच ली, अब इस डार्क लाइन के बीच में और इन लाइन के बीच में कितना गैप रखना है, तो मैं बता दूँ आपको, 10-10 मिलीमीटर का गैप रखना है। कितना? 10 मिलीमीटर का आपको गैप रखना है। से आप देख सकते हो, यानी कि 1 सेंटीमीटर का रख सकते हो उसमें गैप, देख सकते हो आप, यहाँ से यहाँ तक मैंने कितना ले लिया, 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो ये दूरी है मेरी, ये वाली दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये है मेरी 10 मिलीमीटर, और ये भी कितनी होगी, 10 मिलीमीटर। तो इतना आपको गैप रखना होगा, ठीक है। देखिए, यहाँ से मैंने लिया एक, यहाँ से स्टार्ट करा मैंने, यहाँ से एक तक कितना होगा, 10 मिलीमीटर, और 1 से 2 तक कितना लिया, ये हो गया मेरा 10 मिलीमीटर। तो मैं 10 मिलीमीटर ये भी और ये भी दोनों 10 मिलीमीटर लेऊंगा, ठीक है, टोटल कितना हो गया, 20 मिलीमीटर, ठीक है। तो इन दोनों के जो गैप है वो मैं 10-10 मिलीमीटर रखना होगा दोस्तों, ऐसे ही मैंने इन दोनों के बीच भी करा, ठीक है। लेकिन मैंने, आप सोच रहे होंगे कि आपने मतलब इसको डार्क क्यों नहीं, थोड़ा सा घाटा टाइप का क्यों नहीं किया, तो ये लाइन हमेशा रखने नहीं है हमें, हमें इसको मिटो देना है बाद में। कैसे मिटोएंगे मैं आपको बताऊंगा, कि इसका हम यूज़ क्यों करेंगे, इसमें मैंने खींची क्यों है, ठीक है, आपको सब कुछ इसमें पता लग जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ क्लास को, ठीक है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको जो भी मैं नई क्लास लाऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर ही चला जाए। मैंने इसको साफ़ कर दिया है, अब अच्छे से दिख रही होगी आपको, ठीक है। तो थोड़ी सीट थोड़ी छोटी है, लेकिन आपको एग्जाम में बड़ी सीट मिलेगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जो मैं आपका प्रोजेक्शन लाया हूँ आज के लिए आपकी बुक से ही है, मैं आपको दिखा दूँ कि कैसा है, ठीक। जो पिछली बार हमने किया था मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये जो मैंने पिछली बार आपको बताया था ये वाला रहा, ठीक है, ये मैंने आपको पिछली बार बताया था। और जो आज की क्लास होने वाली है उसमें मैं जो आपका ये वाला प्रोजेक्शन है ना, इसको मैं बताने वाला हूँ कि किस टाइप से आपको बनाना है। इसमें आपको दिया गया है कि दिए गए वस्तु के सम परिमाण दृश्य आइसोमेट्रिक व्यू को प्रथम कोण प्रक्षेप, यानी कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपको बदलना है,
ठीक है, तो किस टाइप से आपको इसमें बदलना होगा मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, किस टाइप से आपको करना है। पिछली बार हमने कैसे किया था, हमने थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बदला था, दिख रहा होगा ये वाला डायग्राम, हमने थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मैंने आपको बताया था कैसे बदलना है, लेकिन अब की क्लास में कैसे करना है हमको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन इसका बनाना होगा। ठीक, जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट एंगल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इन्होंने क्या दिया गया है, देखिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का जो फॉर्मूला दिया गया है, इन्होंने फ्रंट इधर बनाया है, साइड इधर और टॉप नीचे, लेकिन मैंने आपको क्या बताया है, मैंने बताया आपको ट्रिक FST, फर्स्ट FST, फर्स्ट की आवाज़ आ रही है ना, देखिए FST फर्स्ट दिख रहा है ना, तो इस टाइप से मैंने आपको ट्रिक बताई थी फर्स्ट एंगल की, तो हम ऐसे ही बनाएंगे अपने हिसाब से। ठीक है, वो आप ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए फ्रंट ये रहा, फ्रंट जस्ट इसके किसे बगल वाले पोर्शन में है, लेकिन टॉप जो है फ्रंट के साथ रहना चाहिए, फ्रंट के नीचे हमेशा टॉप आएगा, जैसे इन्होंने भी ले रखा है, देखिए प्लान ले रखा है ना ऊपर से, तो फ्रंट जो है जो टॉप है वो फ्रंट के जस्ट नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो उतना आपको ध्यान रखना है, अब आपकी मर्जी, आप कैसे बना सकते हो, या तो बुक के हिसाब से बनाइए या फिर जैसे मैंने आपको बताया ऐसे बना सकते हो आप। ठीक है, ये भी मैंने मान, ये नहीं कि मैं मतलब अपनी तरफ से कोई बता रहा हूँ, मैंने एक बुक में भी, बहुत सी बुक में भी देखा है, लेकिन अलग अलग बुकों का अलग अलग हिसाब होता है। ठीक है, वो आप देख लीजिए कैसे आपको बनाना है, बताइए बुक से हिसाब से बनाऊँ या अपने हिसाब से, आप बता सकते हो। चलिए चल, तो चलिए कोई मैं ऐसा कर लेता हूँ, बुक के हिसाब से बना लेता हूँ या फिर अपने हिसाब से, चलिए मैं छोड़िए इसको, मैं बुक के हिसाब से बना लेता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कभी आपको दिक्कत आए समझने में मैं इसको बुक के हिसाब से बना लेता हूँ, लेकिन आप ऐसे बना सकते हो। लेकिन जो अगली क्लास होगी इसमें देखता हूँ, जो मेरा मेरे पास जो मॉडल पेपर हैं उनमें से वो उनमें यही ट्रिक अपनाई गई है जो इनसे मैंने आपको बताई है। ठीक है, उनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, उनमें मैं आपको ऐसे ही तरीके से बनाकर दिखा रहा हूँ, लेकिन फिलहाल जो बुक में दिया गया है इस टाइप से मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। ठीक, सबसे पहले मुझे क्या बनाऊँगा, फ्रंट बनाऊँगा, ये देखिए फ्रंट दिख रहा है ना आपको, फ्रंट ये बनाना है। अब यहीं पर समझ लीजिए इसकी डिस्टेंस कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, आपको समझ लेना है। देखिए सबसे पहले आपको बुक में समझा देता हूँ, सबसे पहले जब मैं फ्रंट देखूंगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, ठीक, और वो इस साइड से देख रहा है, इस साइड देख रहा है, तो उसको क्या पोर्शन दिखाई देगा, उसको ये वाला पोर्शन दिखाई देगा। ठीक है भैया, एक तो उसको ये वाला पोर्शन दिखाई देगा जो वो इस साइड से देखेगा ना, एक तो ये वाला हिस्सा दिखाई देगा, और एक कौन सा देगा, एक देगा ये वाला हिस्सा, दिखाई दे रहा ना, तो उसको एक तो ये वाला और एक ये वाला, दो हिस्से दिखाई देंगे भैया, ये तो नहीं दिखाई देने का, ये तो प्लान में आ गया। ठीक है, एक फर्श टाइप का हो गया, जैसे फर्श वगैरह होता है ना, तो उस टाइप से ये तो हो गया, लेकिन उसको कैसे दिखाई देगी, एक तो ये वाला हिस्सा जब वो यहाँ खड़ा होकर देख रहा है, ये दोनों चीज़ें उसको दिखाई देंगी, ऐसे टाइप से उन्होंने बना दिया है, ये वाला हिस्सा बना दिया और ये वाला बना दिया। अब कैसे बनाना है वो आपको बताने वाला हूँ, चलिए आप समझ लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले फ्रंट बनाऊँगा, फ्रंट आपको देखना है किस टाइप से मैं बनाने वाला हूँ फ्रंट। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप कोई भी डाउट हो ना तो कमेंट कर देना एक बार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, और आपको कोई भी प्रोजेक्शन में डाउट हो, तो अगर आपको बन नहीं रहा हो प्रोजेक्शन, तो मुझे जब हमारा ग्रुप है ना फेसबुक वाला, तो उसमें आप पोस्ट कर सकते हो या फिर मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एक बार अगर आप पोस्ट करोगे तो मुझे कमेंट कर देना इसी वीडियो में, अगर आपको पोस्ट करना है तो, क्योंकि मैं उसमें अप्रूवल देना पड़ता है, ऐसे बहुत सारी पेंडिंग पोस्ट पड़े रहते हैं तो उनको अप्रूवल देना पड़ता है, तो अगर अच्छा सा आपने प्रोजेक्शन सोचा हो तो मुझे बता देना। ठीक, चलिए अब मैं सबसे पहले कितनी गैप रखूँगा, मुझे कितनी दूर दिखी थी आपको, जैसा दिख रहा होगा मैंने अभी आपको दिखाया 60 डिस्टेंस दिखी थी, कितनी 60, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस, भाई फ्रंट इज बना रहे हैं आपको दिख रहा होगा, ये वाला हिस्सा बना रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है 60, तो मैं 60 डिस्टेंस ले लेता हूँ। अब कहाँ से देखनी मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए सबसे पहले मैं ले लेता हूँ 60, अगर मैं सोचूंगा, देखिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं डायग्राम आपके वहाँ पर लगा दूंगा स्क्रीन पर, ठीक है, छोटा सा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं डायग्राम स्क्रीन पर लगा दूंगा, आपको दिख रहा होगा अच्छे से ताकि आपको दिख जाए। तो सबसे पहले मैं इसकी डिस्टेंस फ्रंट की देख लेता हूँ, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई मैंने आपको बता दी 60 है, 60 मिलीमीटर, हमेशा हमको मिलीमीटर में मापना है। हम मापेंगे कहाँ से, देखिए जो मैंने लाइन खींची है ना ये हल्की हल्की, ठीक है, आपको दिख रहा होगा जो मैंने ये लाइन वगैरह खींची है हल्की हल्की सी खींची है, अब आपको सही दिख रहा होगा ना, हाँ जो मैंने ये वाला लाइन खींची है ना हल्की सी, तो आपको इससे ही यहाँ पर लेना है, तो मैं ले लेता हूँ 60 ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, तो ये मेरा हो गया 60 यहाँ से यहाँ तक,
10 मिलीमीटर यहाँ से कहाँ तक हो गया, देखिए 10 मिलीमीटर ये हो गया मेरा, 10 मिलीमीटर यहाँ से यहाँ तक, फिर 20, फिर 30, 40, 50 और 60, तो 60 मेरा बैठ रहा है भैया यहाँ पर, यहाँ पर मेरा जो है 60 मिलीमीटर बैठ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, 60 मेरा यहाँ से यहाँ तक बैठ जाएगा। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर 60 कर देता हूँ, ये मेरा हो गया 60, इसको हल्का सा मैं डार्क कर देता हूँ, इसमें कोई भी आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आपका जो है आपको जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों। ठीक है, कि मैंने इसको ड्रॉ कर दिया 60 पर, ठीक, ये मैंने इसको ड्रॉ कर दिया 60 पर। अब जितनी मुझे ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई देखिए इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है यहाँ से यहाँ तक, मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार फिर से, मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ। देखिए ये तो मैंने बना दिया, 60 ही चौड़ाई हो गई मेरी, लेकिन जो आपको यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितनी दी गई है, यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा होगा कितनी है, 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर मेरी ऊंचाई हो जाएगी भैया। जब यहाँ से 10 मिलीमीटर है तो यहाँ से भी 10 मिलीमीटर होगी और यहाँ से भी 10 मिलीमीटर होगी। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पर समझ लीजिए, मान लीजिए मेरे पास ये रबड़ है, ठीक है, जो रबड़ का ये वाला हिस्सा है ना, जितनी ये वाली डिस्टेंस है रबड़ की, तो वही डिस्टेंस ये वाली भी होगी, ठीक है, ये वाली भी होगी। तो इस टाइप से आपको जो है आपको डिस्टेंस देखनी है प्रोजेक्शन में, तो मैं 10 मिलीमीटर से यहाँ पर और जो है खींच देता हूँ, इधर से भी 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर कितना होगा दोस्तों, 1 सेंटीमीटर होगा 10 मिलीमीटर का। तो यहाँ से यहाँ से आपको इसी वाली लाइन से लेना है, जो आपके ये फीकी टाइप के है ना हल्की लाइन, तो आपको यहाँ से ही लेना है इसको, ठीक, और उसको बाद में हम इसको मिटा देंगे, यहाँ से 10 मिलीमीटर हो गया। और अब मैं इसको आपस में मिला लेता हूँ थोड़ी सी, इसको मैं एक बार थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ कि 10 मिलीमीटर है या नहीं, या फिर थोड़ी सी या गड़बड़ तो नहीं हुई ना, और इसको देख लेता हूँ, ये थोड़ी सी छोटी है, अब हो चुकी है। अब इसको मैं आपस में इसको मिला देता हूँ, ठीक, मैं इसको आपस में मिला देता हूँ, ये मैंने इसको मिला दिया आपस में, ठीक, मिला दिया, ये मेरी अब ये लाइन तैयार हो चुकी है। अब भैया अब समझने वाली बात ये है, मैं आपको समझने वाली बात बता रहा हूँ, अब इसमें मेन समझने वाली बात है, ये तो आसान था मैंने बना लिया फ्रंट, अब इसमें हम सबसे समझने वाली बात क्या देखे हैं, आपको जो फ्रंट दिया गया है ना, फ्रंट ये वाला हिस्सा तो मैंने बना लिया, ये वाला हिस्सा जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वाला हिस्सा मैंने बना दिया, अब मुझे ये वाला पोर्शन दिखाई देगा, और कौन सा दिखाई देगा, ये वाला पोर्शन दिखाई देगा, ठीक है। ये जो लाइन है, ये जो आपको लाइन दिख रही है, जब मैं यहाँ पर खड़ा होकर किसी भी चीज़ को देखूँगा तो ये लाइन इसमें टच होती दिखाई देगी, इससे अटैच हो जाएगी ना, इस टाइप से दिखाई देगी, एक ही लाइन दिखाई देगी भाई। जब यहाँ से देखूँगा दो लाइन थोड़ी दिखाई देगी मुझे, जब ये एक ही मतलब समान है, एक समान है दोनों के दोनों, ठीक है, तो इस तरफ कुछ जो ये लाइन है ना, इससे अटैच दिखेगी इस टाइप से यहाँ पर, ठीक है। चलो इसका तो हो गई बात अलग, ये तो मैं समझ लिया आप लोगों का कि दिखाई देगी। अब आपको समझने वाली बात ये है कि जो बीच का ये एरिया है मुझे दिखाई देगा, उसको मैं कितने डिस्टेंस पर रखूँगा। अब समझने वाली बात यह है कि इधर से भी 20 मिलीमीटर ले रखा है उन्होंने, इधर से कितना है 20 मिलीमीटर, तो जाहिर सी बात है इधर से भी कितना होगा 20 मिलीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 20, 20 और 20, देखिए 20 तो ये इधर से हो गया, और 20 उन्होंने खुद की दे रखे हैं यहाँ पर ये वाले पोर्शन के डिस्टेंस, और 20 इधर से, टोटल कितना हो गया 60, टोटल 60 हो गया ना। तो इस टाइप से आपको ले लेना है, 20 इधर से, 20 उधर से, और 20 बीच में कितना हो गया 60 हो गया टोटल। तो मैं इधर से 20 लेता हूँ और इधर से भी 20 मिलीमीटर ले लेता हूँ, ठीक है, इस टाइप से जैसे कि उन्होंने लिया है प्रोजेक्शन में, ठीक है, ताकि मैं इसको बीच को अच्छी तरीके से उसको ड्रॉ कर सकूँ, ठीक है। चलिए अब मैं 20 मिलीमीटर ले लेता हूँ, अब मैं यहाँ पर 20 मिलीमीटर ले लेता हूँ इधर से,
ये रहा मेरा 20 मीटर में मिलीमीटर का पॉइंट, ठीक है। ये मैंने 20 मिलीमीटर पे ले लिया, टोटल कितना था, टोटल मैंने बताया आपको कितना था 60, तो 20 मिलीमीटर मैंने यहाँ पर ले लिया। अब इधर से भी कितना ले लेता हूँ भैया, 20 मिलीमीटर में यहाँ पर भी ले लेता हूँ, और ये वाला हिस्सा कितना बचेगा मेरे पास, ये भी मेरे पास 20 मिलीमीटर का बच जाएगा। मैं इधर से देख लेता हूँ एक बार फिर से यहाँ तक, तो ये वाला हिस्सा मेरा यहाँ पर बैठेगा और यहाँ से यहाँ तक 20, ठीक है। अब मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। अब आप सोचने वाली, अब एक और बात सोचने वाली हो चुकी है भैया यहाँ पर, अब वो सोचने वाली बात कौन सी है, चौड़ाई तो मैंने ले ली, अब लंबाई कितनी देनी है, ये वाली चौड़ाई तो मैंने ले ली, लेकिन अब मैं इसकी ऊंचाई कितनी दूँ, ऊंचाई कितनी देगी आपको 30 मिलीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना है 30 मिलीमीटर, जैसे कि आप लोगों को दिया गया है 30 मिलीमीटर, ठीक। अच्छा तो चलिए 30 मिलीमीटर ले लेते हैं, ऊपर से यहाँ से 30 ले लेता हूँ मैं, ये मैं ले चुका हूँ 30 मिलीमीटर, और यहाँ से भी 30 मिलीमीटर ले लेता हूँ, और इसको जो है मैं आपस में मिला देता हूँ। ठीक, मिला दिया। अच्छा ये तो मेरा बंच के तैयार हो चुका है फ्रंट, जो डायमेंशन हम बाद में कर लेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी मैं इसको फ्रंट मेरा तैयार हो चुका है, ठीक। अब बात आती है देखिए साइड व्यू की, अब मैं बनाऊंगा साइड व्यू, अब वो तो आसान ही है सब कुछ, अब इसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। मेन जो होता है फ्रंट होता है, मैं फ्रंट बनाने में तो टाइम लगता है। देखिए ये मेरा फ्रंट हो गया, अब जिस इसी तरह क्या बन जाएगा मेरा साइड व्यू बन जाएगा, साइड व्यू थोड़ी सी बस डिस्टेंस में थोड़ी सी फ़र्क आएगा, वरना ऐसा ही है सेम टू सेम मेरा बन जाएगा, ठीक है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो इस टाइप से बनेगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ आपका साइड व्यू कैसे बनेगा भाई, ये वाला हिस्सा तो सेम बनेगा, तो इसको मैं बना लेता हूँ। जितनी डिस्टेंस अब इसमें कितनी दी गई है, इससे थोड़ी सी कम आ जाएगी, इसकी चौड़ाई कितनी दी गई थी 60, और इसकी कितनी दी गई है 50, तो ये तो 10 ही आएगा मेरी चौड़ाई, ये ऊंचाई तो मेरी 10 ही आएगी यहाँ से यहाँ तक, देखिए सेम टू सेम है ना, 10 10 10, लेकिन इसकी लंबाई कितनी है 60, और इसकी कितनी है 50, तो थोड़ा थोड़ा सा छोटा बन जाएगा मेरा साइड व्यू। चलिए इसको मैं अब बना लेता हूँ, लेकिन मैं बनाऊंगा इसके अकॉर्डिंग ही। कितनी बनानी है भैया मुझे, 50 50 मिलीमीटर, यहाँ से यहाँ तक मैं आपको ध्यान से बनाऊंगा देखकर, ठीक है। जल्दीबाजी कुछ भी नहीं करनी है, क्योंकि यहीं से जो है एग्जामिनर आपके नंबर बढ़ा भी सकता है और यहीं से काट भी लेता है। अब ये इतनी 10 थी, ये 10 यहाँ से ले लेता हूँ मैं, ठीक है। इसे अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि ये 10 थी तो मुझे मापने की ज़रूरत नहीं पड़ने की, ठीक। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं जो है इसको खींच लेता हूँ, ठीक। हल्की सी कोई भी बाहर निकल के कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको मैं बाद में सही कर दूँगा, तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर आपको ध्यान रखना है, ठीक। इस टाइप से मैंने जो है लाइन खींच दी है, बाद में जो लाइन बाहर निकल रही है एक दो, उसको हम बाद में सही करेंगे। अच्छा अब समझने वाली बात ये है भैया कि मैं डिस्टेंस कितनी लूँगा। अब जो मेन मुद्दा है वो है, अब इन्होंने इसमें एक चीज़ दी गई है, देखिए समझने वाली बात, ये वाली चौड़ाई कितनी दी गई थी मेरे पास, ये वाली 50 थी, ये वाली कितनी थी 60 थी। अब समझिए कि यहाँ से यहाँ तक कितनी दूँ मैं, देखिए अब समझने वाला आपको दिमाग लगाना होगा, देखिए कि मुझे ये वाले, देखिए मैंने चौड़ाई बनाई थी ये फ्रंट वाली, तो फ्रंट वाली तो मुझे साइड में दे रखी थी 20 थी साइड, तो यहाँ से यहाँ तक तो मैंने देख लिया ये तो कितनी थी 20। लेकिन अब जो मेन मुद्दा है वो आपको ध्यान रखना है, इतना आपको ध्यान रखना होगा कि मैं इतनी जो ये वाली डिस्टेंस है ये वाली, ये कितनी लूँ,
सोच रहे होंगे ना, कहीं दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है तो बताइए कहाँ दिया गया है, लिखा तो नहीं है कहीं को कुछ, इसके डिस्टेंस तो नहीं कि ना तो इधर है ना उधर है ना इधर है, सिर्फ ये वाली है। अब कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल कितनी है मेरे पास, 50, 50 है ना, यहाँ से यहाँ तक कितनी है 50, और जो बीच में मेरा ये एरिया पड़ रहा है, बीच का कितना है 20 है, ठीक है। जब मेरे पास टोटल 50 है और बीच में से मैं कितना निकाल दूँ, 20 निकाल दूँ, कितना बचेगा 30, यानी कि 15 इधर बचेगा और 15 इधर बचेगा, बचेगा कि नहीं। देखिए टोटल कितनी है मेरे पास, 50, 50 में से ये वाला हिस्सा 20 का है, ये वाला हिस्सा 20 का निकाल दिया मैंने, मान लीजिए मैंने ये हिस्सा निकाल दूँ, बचेगा मेरे पास कितना टोटल, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा टोटल कितना बचेगा मेरे पास, 30, 30 बचेगा, तो 15 15 हो जाएगा, 15 इधर और 15 उधर, तो मुझे 15 लेने, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कितनी ले रखी है उन्होंने, 15 ले रखी है, ठीक, तो मुझे 15 यहाँ पर लेना होगा, तो इधर से 15 और ऊंचाई कितनी हो जाएगी मेरे पास, 30 और चौड़ाई इसकी 20 हो जाएगी। चलिए मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको 15 ले लेता हूँ, ये मेरे पास 15 यहाँ से और भैया 15 यहाँ से, थोड़ी सी कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है इसमें, ठीक है। अभी तो आपने बुक में देख लिया होगा एकदम, उसको बता दिया होगा 15, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऊंचाई कितनी है इसकी, 30 30, जिससे कि हमने इसकी ऊंचाई ली थी इतनी इसकी ऊंचाई ले लेते हैं, ठीक है, इतनी ऊंचाई इसकी थी इतनी ऊंचाई हम यहाँ से ले लेते हैं, थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन मैंने अच्छे से आपको बताया, कैलकुलेशन इसमें करनी पड़ती है, थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता है कि कहाँ से डिस्टेंस कहाँ को निकल जाए, ठीक है, क्योंकि जो है अब जो ITM जो प्रोजेक्शन है थोड़ा सा टफ देने लग गया है, ठीक, पहले थोड़ा सा आसान होता था लेकिन अब क्या हो गया है, अब थोड़ा सा जो है भारी लेवल कर दिया गया है, तो आपको ध्यान से सही सही करना होगा, ठीक। ये मेरे पास हो चुका है, अब भैया मेरा फ्रंट तैयार हो चुका है, साइड तैयार हो चुका है, अब बात किसकी करेंगे हम, टॉप की। अब मैं टॉप की बात कर लेता हूँ, टॉप यानी कि प्लान जिसको बोलते हैं। अच्छा ये मेरा हो चुका है जब मैं इधर से देख रहा हूँ, लेकिन जब मैं ऊपर से देखूँगा, मान लीजिए मैं किसी मान लीजिए आप किसी प्लेन में हो, ठीक है, प्लेन में आप सफ़र कर रहे हो, तो ऊपर से किसी भी घर को देखोगे, मान लीजिए मेरे पास ये घर है और आप प्लेन में यहाँ पर उड़ रहे हो, ठीक है, यहाँ पर उड़ रहे हो, तो जब नीचे आप देखोगे तो आपको क्या कौन सा दिखाई देगा, एक तो ये वाला बॉक्स दिखाई देगा आपको, उसके अंदर एक और बॉक्स दिखाई देगा, उसके अंदर फिर ये लाइन दिखाई देगी, ठीक है, और भी चीज़ दिखाई देगी आपको, क्या चाहिए, ये वाला हिस्सा भी तो आपको दिखाई देगा पूरा बॉक्स सा बना हुआ, तो ये बॉक्स कितना है इसकी जो है, एक तो है 60 और एक कितनी है 50, तो मुझे किसके अकॉर्डिंग लेना है, मुझे हमेशा फ्रंट के अकॉर्डिंग लेना है, किसके, फ्रंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि टॉप हमेशा कहाँ बनेगा, फ्रंट के जस्ट नीचे, ठीक है, तो देखिए फ्रंट के अकॉर्डिंग लूँगा, जब मान लीजिए आप इस साइड से इधर इधर को देखोगे तो ये वाला हिस्सा आपको दिखाई देगा ना, ये वाला हिस्सा दिखाई पड़ेगा, तो नीचे चलने वाला, फिर उसके अंदर ये बॉक्स दिखाई देगा, फिर ये बॉक्स, फिर ये लाइन, ठीक, तो किसके अकॉर्डिंग देखना है, फ्रंट के, क्योंकि हमें टॉप कहाँ बनाना है, हमेशा फ्रंट के जस्ट नीचे, तो जहाँ पर मेरा टॉप बनेगा, तो जितनी चौड़ाई इसकी थी उतनी चौड़ाई इसकी हो जाएगी और ऊंचाई भी उतनी ही इसकी हो जाएगी, ठीक। अब ऊंचाई की बात आप सोच रहे हैं, सबसे पहले मैं चौड़ाई लिख देता हूँ उसकी, चौड़ाई तो इतनी होगी जैसे मैंने आपको बताया है, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी इसकी चौड़ाई 60, ये हो गया भैया 60। अब आप सोच रहे होंगे यार इसकी ऊंचाई कितनी लेनी चाहिए, थोड़ी सी ऊंचाई में दिक्कत आ गई अब आपको, अब ये भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसकी ऊंचाई कितनी लेनी है, अब की बार इसमें लिखा हुआ नहीं है, कभी आप सोच रहे हो उसके लिए लिखा हुआ है आप तो एकदम बता देंगे, नहीं, अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो कैसे करना पड़ेगा मैं आपको बताने वाला हूँ सब कुछ। आप चाहे तो माप नहीं सकते, इसके अकॉर्डिंग भी आप बना सकते हो, क्योंकि जब ये 60 है तो ये भी 60 होगा। अब जो मेन काम है वो है, अब चौड़ाई कितनी ले ली हमने यहाँ से यहाँ तक, 60 ले ली, 60 मेरी आ चुकी है, अब ये ऊंचाई कितनी लेनी पड़ेगी भैया, ये सोचने वाली बात है ना,
सोचने वाली बात अब देख ये है, तो ये तो देखिए, अब आप सोचिए, जब मुझे ये वाले बॉक्स कितना दिया गया है यहाँ से यहाँ तक, 30, 30 तो मुझे यहाँ से यहाँ तक दे दिया, ठीक। अब आपको डाउट नहीं है, अब क्या करना होगा आपको समझिए, 30 मेरा यहाँ से यहाँ तक है और 10 ये रहा, 30 और 10 टोटल कितना हो गया 40। तो यहाँ से एक बार फिर समझिए, यहाँ से यहाँ तक, ये जो आपको दिख रही है उठा हुआ नहीं है, इसके अंदर छिपा हुआ है, तो ये जो लाइन है वो यहाँ से यहाँ तक ही है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ही है वो लाइन, ठीक है, यानी कि इससे अटैच ही हो रही है ये। तो मैं बात करूँ, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस टोटल देखूँगा यहाँ से यहाँ तक, क्यों कितनी आएगी, वो 30 ही आएगी, ठीक। और नीचे से कितनी है, नीचे से कितनी है, वो है आपकी 10, तो टोटल 40 होगा, तो 40 में यहाँ से ले लेता हूँ, 40 मिलीमीटर, ठीक है, 40 मिलीमीटर में अब यहाँ से इसको ले लेता हूँ, इसकी ऊंचाई, थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है यार, चलो कोई नहीं, इसको मिटा देता हूँ। आपको ध्यान से करना होगा क्योंकि पेंसिल एकदम स्लिप मार गई, ठीक, कोई बात नहीं, ये लाइन तो मैं मिटाऊनी है, मेरे पास कुछ थोड़ी सी यार रबड़ी पता नहीं कैसी है। अच्छा, अब देख लेता हूँ कितनी डिस्टेंस है, अब थोड़ी कम हो चुकी है, अब मैं इसको टोटल पूरी 40 कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ से यहाँ तक 40 ले आता हूँ, 40 हो गया, अब इधर से भी 40 लेता हूँ, दोनों डिस्टेंस मेरी इक्वल इक्वल हो जाएंगे, इसमें फिर आप दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरी 40 यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी और ये मैं इसको ड्रॉ कर दिया यहाँ से यहाँ तक, अब इनको आपस में मिला देता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसमें मैं यहाँ से इसको मिला देता हूँ भैया, ये देखिए, अब इसको मिला दिया है, अब टॉप का कुछ पोर्शन मेरा कंप्लीट हो चुका है, टॉप कुछ की बात कर रहा हूँ, आप देखना ये है बॉक्स अपने का कैसे बनाना है, बॉक्स तो बॉक्स की चौड़ाई कितनी लेंगे हम अंदर से, 20, 20 चौड़ाई आ जाएगी, 20 इधर से, 20 इधर, भैया 20 यहाँ से, देखिए इन्होंने चौड़ाई दी गई है, लंबाई कितनी ले लेंगे हम, लंबाई इसमें लेनी पड़ेगी हमें भैया, मैं आपको यहाँ से, अब सबसे पहले तो या तो